लग रहा था कि इट्स हर्टिंग माई स्किन। यहाँ पे आपको टोफू एप्लीकेटर मिल जाता है जिससे एप्लीकेशन ना बहुत ज्यादा प्रिसाइज, बहुत ही ज्यादा पतली एंड प्रिसाइज टिप है जो यू नो आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से कर देता है। Hi guys, welcome back to my channel. आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट शो करने वाली हूँ जो सारे अंडर 500 रुपीज है एंड वो 500 रुपीज के अंदर के लगते नहीं है बिकॉज दे परफॉर्म रियली वेरी गुड एंड उनकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ गाइस, आप जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ प्राइमर की। सो आई हैव वन प्राइमर, दिस इज मार्स का इल्यूमिनेटिंग बेस एंड ट्रस्ट मी मैं आपको इसका फॉर्मुलेशन दिखाऊँ ना, दिस रिटेल्स फॉर 249 रुपीज ओनली। एंड मेरे पास जो यहाँ पे शेड है पिंक बीम, इसमें दो आते हैं, एक गोल्ड आता है एक पिंक आता है, बट दोनों में ऐसा ज्यादा फर्क नहीं है। बट जस्ट लुक एट दिस, ये आपका जो बेस है एकदम ग्लोई डूई बना देगा। जस्ट लुक एट दिस, तो आप चाहते हो कि आप एकदम चमचमाओ और एकदम लगे कि आपकी स्किन अंदर से विद इन द ग्लो वाला फीलिंग आ रहा है, एकदम हेल्दी स्किन लग रही है, ग्लोइंग स्किन लग रही है एंड मेकअप में वो ग्लो आ रहा है, देन यू कैन गिव दिस अ ट्राई। ये बहुत ज्यादा अच्छा है एंड इतना अफोर्डेबल है। जो ये वो लुक देता है जो मैक की स्ट्रोब क्रीम देती है ना, ये वही सेम लुक देता है। इट इज सो गुड, रियली वेरी नाइस। तो अगर आप एक अफोर्डेबल प्राइमर देख रहे हो एंड येट इल्यूमिनेटिंग प्राइमर देख रहे हो, देन यू कैन गिव दिस अ ट्राई, दिस इज सो गुड। देन आई हैव फाउंडेशन, और फाउंडेशन मेरे पास यहाँ पे कलर एसेंस का HD फाउंडेशन, जिनको HD मेकअप करना पसंद है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज देता है, बहुत ज्यादा फुल कवरेज नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट कवरेज भी नहीं है, डिसेंट कवरेज है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, एकदम फ्लॉलेस फिनिश है। आई डोंट नो वाई पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस फाउंडेशन एनी मोर, बट ये बहुत ज्यादा अच्छा, आई एम रियली लाइकिंग दिस फाउंडेशन। ये मेरे को PR में आया था बट आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई एम लविंग इट ऑल्सो। और मैंने अभी ये वाले नहीं, दूसरे शायद मेकअप में ये वाला फाउंडेशन कैरी किया था, बहुत अच्छा है। मैंने कलर एसेंस पे एक वीडियो भी डाला हुआ है जहाँ पे आपको फुल वन डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा कलर एसेंस के प्रोडक्ट्स का, तो वहाँ पे आप सबके प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी देख सकते हो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, रियली वेरी नाइस। 590 रुपीज का रिटेल करता है, मेरा कूपन एक्स्ट्रा 15 है, आपको उस पर एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा एंड वैसे भी फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन है, तो ऑब्वियसली आपको और अमेजिंग डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। सो यू कैन गिव दिस अ ट्राई, दिस इज रियली वेरी गुड। कंसीलर के लिए आई हैव मामा अर्थ का ग्लो हाइड्रेटिंग कंसीलर एंड आई एम इन द शेड आइवरी ग्लो। ये तीन शेड्स में आता है, मेरे पास तीनों के तीनों शेड्स अवेलेबल है। इसमें विटामिन सी इंक्लूडेड है, रियली वेरी नाइस। एंड इसका अगर एप्लीकेटर की बात करूँ, इसका यहाँ पे आपको टोफुट एप्लीकेटर मिल जाता है जिससे एप्लीकेशन ना बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाती है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मतलब अगर आप एक ऐसा कंसीलर देख रहे हो जो बहुत सुंदर से ब्लेंड हो एंड आपको फुल कवरेज दे, तो ये वो कंसीलर है बिकॉज ये बिल्कुल भी क्रीजेस फॉर्म नहीं करता, इसकी 100% स्पॉट कवरेज है, रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है सीमलेसली। एंड मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स पे मेरा ऑब्वियसली 20% का कोड है जो आपको डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेघना 20 है एंड दिस इज रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स वैसे भी आई रियली लाइक यूजिंग इट एंड मेरे को ये कंसीलर बहुत ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज दिस इज न्यूली लॉन्च्ड एंड मैंने ट्राई किया, आई रियली लव्ड इट एंड 500 के अंदर रिटेल। Then I have one of the amazing product. This is Nuff Tint by Nuftun. Actually, this is a lip and cheek tint. ये एक सी पैकेजिंग देखो, ये ऐसी ग्लास पैकेजिंग आती है, कार्डबोर्ड बॉक्स में एक मिरर आता है, ये इस टाइप की है, मैं इसको हमेशा इसमें यूज करके रख देती हूँ। इट इज सो नाइस, मतलब ये एक तो ऑर्गेनिक, अगर आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पसंद है ना कि जिसमें केमिकल्स नहीं हो, ऑर्गेनिक फेस में प्रोडक्ट्स लगाने, देन दिस इज द वन दैट शुड गिव इट अ ट्राई, रियली वेरी गुड। इसके अंदर मैं फेस पे तो नहीं बट मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाती हूँ, इसका मैं एक डॉट लूंगी एंड यू विल सी कि देखो, कैन यू सी द पिगमेंटेशन, आपको बहुत ही ज्यादा नेचुरल ग्लो आएगा। अगर आपको रोजी पिंकी चिप्स नेचुरल लुक के लिए चाहिए ना ऑन डेली बेसिस, गिव दिस अ ट्राई, दिस इज सुपर अफोर्डेबल, बहुत ज्यादा अच्छा है। इसकी लिंक आप मेरे इंस्टाग्राम बायो में आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ब्यूटी ब्लॉगर्स को यूज कर रहे हैं बट कोई इनके बारे में बात नहीं कर रहा है, बट मैंने सोचा क्यों नहीं आपके बारे में आपको बताया जाए, दिस इज सो गुड, आई लिटरली लव इट एंड ये बहुत ज्यादा अच्छा है एंड एक बार वर्थ ट्राई एंड ट्रस्ट मी, एक बार आप इसको यूज करने लगोगे ना आप सारे लिप एंड चीक टिंट भूल जाओगे। नेक्स्ट आई हैव शुगर का ब्लश, ये ब्लश कब से मेरे फेवरेट्स में है एंड दिस रिटेल्स ओनली एंड ओनली फॉर 349 रुपीज, रियली वेरी नाइस। एंड मेरा शेड जो है यहाँ पे है वो सैलमन सुपरस्टार, इसके सारे शेड्स बहुत ज्यादा प्यारे हैं, इसकी भी पिगमेंटेशन दिखाऊं, जस्ट लुक एट दैट,
मतलब बहुत अच्छा है, सारे स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाएगा। अगर आप एक डीपर स्किन टोन में भी आते हो ना तो भी ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा, फेयर स्किन टोन में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आई कम्प्लीटली लव इट, बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड ट्रैवल फ्रेंडली बिकॉज बहुत छोटी सी पैकेजिंग में आता है। देन आई हैव वन फेस पैलेट फॉर यू, दिस इज सेरी की ओन ओ सो नाइस फेस पैलेट, जहां पे आपको चार चीजें मिल जाती है। आपको एक हाईलाइटर मिल जाता है, दो ब्लशर्स मिल जाते हैं और एक ब्रॉन्जर मिल जाता है। सबकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बिगिनर हो, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, दिस इज द वन दैट यू शुड गो फॉर। बजट फ्रेंडली है, चारों चीजें आपको मिल जाती है एंड ट्रैवल फ्रेंडली भी, एक ही चीज डालो चारों चीज का काम हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा अच्छी। दिस इज द वन दैट आई गो फॉर। इसमें दो ब्लश है, एक फेयर मीडियम, आप दोनों मिक्स करके लगा सकते हो। दोनों की पिगमेंटेशन देख लो, बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड मैं आपको ब्रॉन्जर और हाइलाइटर की भी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ, जस्ट लुक एट दैट ग्लो। मैंने आज यही वाला पैलेट यूज करा है अपने ब्लश और ब्रॉन्ज और हाईलाइट के लिए, एंड यू कैन ऑलरेडी सी द ग्लो ऑन माय फेस। नेक्स्ट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ लाइनर, दिस इज रिकोड का लाइनर। ये बहुत अच्छा लाइनर है, आपको जनरली मोटी टिप्स मिलती है बट इसकी बहुत ही ज्यादा पतली एंड प्रिसाइज टिप है, जो यू नो आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से कर देता है, एकदम प्रिसाइज एप्लीकेशन है। मैंने यही वाला लाइनर यूज करा हुआ है, आई कम्प्लीटली लव इट। रिकोड के बहुत ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। मैंने रिकोड का मस्कारा भी आज यूज किया है, मतलब ऑनेस्टली मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, बट ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको बहुत ज्यादा हैवी लैशेज नहीं पसंद, जिनको नेचुरल लैशेज पसंद है, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। दिस रिटेल्स ओनली एंड ओनली फॉर 495 रुपीज, एंड रिकोड पे भी मेरा कोड है जिसको आप यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा है। एप्लीकेटर बहुत ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी आपकी लैशेज को क्लम्जी नहीं करता है, इकट्ठा नहीं करता है, बहुत अच्छे से लैशेज को सेपरेट कर देता है, लेंथ देता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं देता है बट बहुत अच्छी खासी लेंथ देता है। यू कैन सी मैंने अभी अपने मस्कारा के लिए आई लैशेज पे यही वाला मस्कारा यूज किया, एंड पैकेजिंग इज रियली वेरी गुड, आई लाइक इट। देन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट टू लूज पाउडर्स, वन इज मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर, सब जानते हैं इसके बारे में, ये बहुत ज्यादा अच्छा है एंड ये 3 से 4 शेड्स में अवेलेबल है। मेरा शेड है लाइट मीडियम, अगेन वेरी गुड, आप अपनी किट में रख सकते हो, बिगिनर हो प्रोफेशनल हो तब भी बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने इसको ऑलमोस्ट यूज कर लिया है एंड आई एम गोइंग टू रीस्टॉक इट, ऑल्दो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, आने ही वाला होगा। एंड देन आई हैव वन बनाना पाउडर, दिस इज कलर एसेंस का HD डेफिनेशन पाउडर, ये HD डेफिनेशन पाउडर है बट क्योंकि ये येलो इन कलर है दिस विल बी कॉल्ड एज बनाना पाउडर। तो अगर आप एक मीडियम टू डस्की स्किन टोन के हो और एक लूज पाउडर ढूंढ रहे हो, दिस इज रियली वेरी गुड। इसके साथ ना आपको यहाँ पे ब्रश भी मिल जाता है जिससे आप एप्लीकेटर कर सकते हो। टू बी ट्रू ये ब्रश बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, मतलब मैंने जब इसको यूज किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इट्स हर्टिंग माय स्किन, तो इस ब्रश से मैं नहीं लगाती हूँ, बट मैं जब भी इसको लगाती हूँ मैं एक नॉर्मल पाउडर ब्रश से लगाती हूँ। ये ब्रश किसी काम का नहीं है, ये ब्रश एकदम झाड़ू है, आई वुड लिटरली से ये झाड़ू ब्रश है, बिल्कुल भी काम का नहीं है, बट पाउडर अच्छा है। इस तरीके से आप पाउडर निकाल सकते हो, पाउडर आप अलग से यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ब्रश के साथ चाहिए ब्रश यूज करना है तो मत खरीदना, लेकिन अगर आपके पास एक पाउडर ब्रश है, अफोर्डेबल अच्छा बनाना पाउडर चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। देन आई वॉन्ट टू गिव अ शाउट आउट टू दिस कफ्स एंड लैशेस के कवर पॉट्स, ये इतने ज्यादा अच्छे हैं। मैंने इसका व्हाइट कंसीलर यूज किया एंड ट्रस्ट मी दीज आर सो पिगमेंटेड, ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। मैं अपने आई बेस के लिए जब भी मेरे को कलर्स के लिए पॉप यूज करना होता है, पॉप मतलब ब्राइट कलर्स यूज करने होता है ना, आई ओनली गो विद दिस बेस, मतलब मैंने बहुत सारे व्हाइट कंसीलर्स यूज करे हैं, बट जो कफ्स एंड लैशेज का है ना, ट्रस्ट मी निधि, यू हैव डन अ रियली वेरी गुड जॉब। एंड आई दिस इज इन द शेड 17 एंड ये अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 250 या 300 रुपीज का रिटेल करता है। कफ्स एंड लैशेज के सारे प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, आप ट्राई कर सकते हो, बट दिस इज अ मस्ट हैव एंड आई रियली लाइक। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो, ये स्टेला के आई शेडोज की तरह यू नो एकदम ड्यूप है। अगर आप स्टेला के आई शेडोज देखो, दे रिटेल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज एंड ये रिटेल करते हैं ओनली फॉर 200 something रुपीज। जस्ट लुक एट दैट पिगमेंटेशन, मतलब ये इतने प्यारे लगते हैं ना आईज के ऊपर, आपको कुछ नहीं चाहिए यार, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप अगर एक बिगिनर हो ना, सिर्फ इनको लगा के हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो, ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, आई यू आर गुड टू गो। बहुत ज्यादा अच्छे हैं, डिफरेंट वेराइटी में अवेलेबल है। मेरे पास जो शेड है मेरे को शेड यहाँ पे शेड 05, दिस इज रोज गोल्ड शेड 05 है, बहुत अच्छा है। मैंने इसको आधा यूज कर लिया बिकॉज ये बहुत ज्यादा अच्छा है। कैन यू इमेजिन एक लिक्विड प्रोडक्ट आईज के लिए, अगर मैं इसको इतना यूज कर रही हूँ तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। सो दिस इज रियली वेरी नाइस, अगेन आप इसको ट्राई कर सकते हो फेस्टिवल सीजन में, वेडिंग सीजन में तो ये परफेक्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लिंगी आईज, थोड़ी सी शिमरी आईज सबको पसंद है।
वो नहीं लेना चाहते हो तो आई हैव दिस कलर एसेंस की वेट एंड ड्राई आई शेडो पैलेट. मतलब मैंने इस आई शेडो पैलेट का ना ऐसा पिगमेंटेशन कभी भी पहले नहीं देखा. मतलब आई एम नॉट श्योर, ये बहुत ही ज्यादा अलग पिगमेंटेशन है. ना ये वेट है ना ये ड्राई है, ये समवॉट इन बिटवीन है. जिससे इसमें लिखा है ना वेट एंड ड्राई, समवॉट इन बिटवीन. अगर मैं इसको टच करूँ ना, बहुत हल्के से ही अगर टच कर रही हूँ, मतलब द पिगमेंटेशन, माई गॉड, जस्ट लुक एट दैट. कैन यू सी, मतलब अगर आप इस जस्ट नॉर्मली जब हम शिमर कलर्स उठाते हैं ना, तो हम उनके ऊपर एक आई शेडो पे, आई शेडो ब्रश पे थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे डालते हैं या कोई रोज वाटर टाइप डालते हैं, जिससे पिगमेंट्स अच्छे से उठे. बट दिस इज सो गुड, दिस हैज डन इट्स जॉब रियली वेरी वेल. ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है. आपको इसके साथ कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड ये एकदम फ्लॉलेस फिनिश देगा. पिगमेंटेशन मैंने आपको दिखाई दी है, मैंने इसे टच किया, मैंने इसको स्वॉच भी नहीं किया, सिर्फ टच करने से ये पिगमेंटेशन. मैं स्वॉच करूंगी तो पूरा भर भर के बाहर आएगा. रियली वेरी गुड एंड आई एम इम्प्रेस्ड. मैंने इतनी अच्छी आई शेडो पैलेट शिमर्स मैंने नहीं देखी. मैंने बहुत ब्रांड्स यूज करे बट ट्रस्ट मी, कलर एसेंस यू हैव डन अ गुड जॉब. एंड ये ओनली एंड ओनली फॉर, नहीं नहीं ये महंगी है, ये 500 रुपीज की नहीं है बट ये 2100 रुपीज की है. बट मैंने इसको इसलिए दिखाया बिकॉज दिस इज वर्थ इन्वेस्टिंग. Really very nice. I have 4 eye palettes. सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे SFR की chocolate brown color की palette. मतलब this is so tiny, so travel friendly and इसमें काफी सारे आपको shades मिल जाते हैं. Browns आते हैं, purples आते हैं, pinks आते हैं. मैंने यहाँ पे brown family का मंगाया because I like more on the nude side. इसमें सारे आपको मिल जाते हैं, शिमर कलर्स मिल जाते हैं और बेसिक कलर्स मिल जाते हैं, डार्क ब्राउन कलर्स मिल जाते हैं. रियली वेरी गुड. ये एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ जैसे हुडा ब्यूटी की पैलेट आती है ना, उस टाइप के इसमें शेड्स हैं. बहुत ज़्यादा अच्छे शेड्स हैं एंड हाईली पिगमेंटेड है. मतलब मज़ा आ जाएगी शेड रेंज देख के. एंड पिगमेंटेशन मैं आपको एक एक मैट और एक शिमर के दिखा देती हूँ. यहाँ पे पूरा हाथ भर गया है. जस्ट लुक एट दिस, दिस इज SFR. रियली वेरी नाइस, बहुत ज्यादा अच्छा है. ये अगेन 300 रुपीज के अंदर रिटेल करता है. उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे मेरी फेवरेट मार्स की आई शेडो पैलेट. आपने देखा होगा मैं इसको कितना भर भर के यूज करती हूँ बिकॉज ये है ही बहुत ज्यादा अच्छी. दिस इज मार्स की आई पर्स आई शेडो पैलेट. मैंने अगेन इसमें स्मोकी कलर मंगाया. 3 से 4 शेड्स अवेलेबल है. पिगमेंटेशन मैं आपको दिखा देती हूँ. जस्ट लुक एट दैट, ब्लैक एंड गोल्डन. मतलब जनरली एक तो आपको इतनी अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट में ब्लैक कलर इतना आसानी से नहीं मिलता है. मिल रहा है, उसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई. तो बहुत ज्यादा अच्छी है, यू कैन गिव दिस अ ट्राई. अगेन इसमें पिंक्स में भी आती है, न्यूज में भी आती है, मॉव्स में भी आती है, ब्लू में भी आती है, कलरफुल भी आती है. तो आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप ले सकते हो. रिटेल फॉर ओनली एंड ओनली फॉर 249. देन ऑब्वियसली आई हैव टू टॉक अबाउट ग्लिटर्स बिकॉज ग्लिटर्स के बिना आई मेकअप कैसे कंप्लीट होगा. जो बिगिनर्स, उनको लूज ग्लिटर लगाने में बहुत आफत आती होगी. मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द बिकॉज जब मैं एक टाइम पे बिगिनर थी तो मेरे को भी बहुत ज्यादा यू नो आलस आता था. कौन ग्लिटर ग्लू लगाए, कौन उसके ऊपर एप्लीकेशन करे, इतना टाइम नहीं है. तो आई डिस्कवर्ड दिस, दीज आर मार्स की प्रेस्ड ग्लिटर आई शेडो पैलेट. पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है. मैं आपको एक आई शेडो पैलेट खोल के दिखाती हूँ. मेरे पास दोनों शेड्स हैं इसके एंड ये बहुत ज्यादा अच्छी है. मतलब मैं जो जनरल, ओह माय गॉड, मैंने बस टच किया था ये. जस्ट लुक एट दैट ग्लो, माय गॉड. मैं अभी तक इसको पता नहीं क्यों इतना ज्यादा यूज नहीं कर रही थी बट नाउ आई एम डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट सम ऑफ द लुक्स विद दिस. ये बहुत ज्यादा अच्छी है यार, मैंने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज्यादा अच्छा होने का, बट ये एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छी. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस लुक. ये आपको रिकमेंड तो करी थी बिकॉज मैंने इसके गोल्डन जैसे यूज करा हुआ है, शिमर सिल्वर यूज किया हुआ है. पिगमेंटेड था बट मुझे लगता है ब्लू ब्लू इतने पिगमेंटेड नहीं होंगे. बट ब्लू, लुक एट दिस, दिस इज सो प्रिटी. रियली वेरी नाइस, बहुत ज्यादा अच्छा है. मैं डेफिनेटली इससे बहुत जल्दी आई लुक करने वाली हूँ. स्टे ट्यून्ड एंड आई कम्प्लीटली लव इट. एक ये शेड रेंज है और एक ये शेड रेंज है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है. इसमें थोड़े से गोल्डन और न्यू कलर ज्यादा मिल जाते हैं, इसमें आपको ब्राइट कलर ज्यादा मिल जाते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं लिपस्टिक के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं लेकर आई हूँ बट सिर्फ एक ब्रांड का रिकमेंडेशन लेकर आई हूँ. दिस इज पैक की स्वीट सेंसेशनल मैट लिक्विड लिपस्टिक्स. मतलब एक तो जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, मेरे को ये PR में आया था एंड आई गॉट ऑल द 27 शेड्स विद मी. द पिगमेंटेशन इज सो बॉम. मैंने आज ये वाला शेड लगा रखा है पैक का. मैंने जो शेड लगाया दैट इज 15 ओल्ड स्कूल. मतलब इसमें आपको सारे शेड रेंज मिल जाएंगे. आप न्यूड लवर हो, रेड लवर हो, मॉव लवर हो, पिंक लवर हो, वॉट नॉट, दिस हैज ऑल द कलर्स एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी. These are so pretty. I love it and its pigmentation is
मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। एंड ये ओनली एंड ओनली वन सिंगल पीस रिटेल करता है फॉर 295 रुपीज। यू कैन इजिली परचेज दिस फ्रॉम द पैक वेबसाइट और अमेजोन, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई कंप्लीटली लव इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होपफुली आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइज।